ओहो हिंदू हाँ कहाँ हो गया बाबूजी को पता नहीं काय लबलबाए रहे हैं हाय दिया पत्थर उठा लिए हैं जय बजरंग बली जय बजरंग बली तुम कह रहे हैं बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली अरे मार डाला मेरा सर फोड़ डाला मेरा सर फोड़ डाला मेरा क्या हुआ भैया क्या हुआ अरे मुकुंद के बापू ने मेरा सर फोड़ डाला अबे हमने अबे हट यहाँ पत्थर हो गया तुझे अपनी लग रही है मिल गया भाइयों मिल गया शुक्र है बाबूजी का छाता मिल गया आप कितना परेशान हो गए थे हाँ जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए ना हम खाना बनाते हैं हाँ हम गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाते हैं 25 साल से इस छाते को छाती से लगाए जी रहा हूँ हाँ। ये छाता नहीं है कहाँ है ये हमारी पहचान है पहचान हमारी नेकी और ईमानदारी का साक्षी है ये छाता जब भी इस छाते को हाथ में लिए चलता हूं तो सर गर्व से ऊंचा हो उठता कहां है वो केचुए की औलाद कछुआ छाता बेच रहा है तू कहता था ना का है इस छाते में अरे तू तो ये छाते खरीद के लाया है और हम ये छाता कमा के लाए कुछ चीजें पुरानी होके एंटीक हो जाती हैं और कुछ एंटीक होके बेशकीमती हो जाती है ईमानदारी और छाता उन्हीं चीजों में आती है संभाल के रखिएगा ईमानदारी भी छाता भी हमने सोचा है कि गांव के मकान पर एक पाठशाला बनवा देते हैं नक्शा पास करवाने जा रहे हैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं किसका नक्शा पास करवाना है जी हमें पिताजी का खैर आप एक काम कीजिए अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके अरे नक्शा पाठशाला का पास करवाना है कि मेरा पिछले 10 दिनों से आप हमें चक्कर लगवा रहे हैं स्कूल का नक्शा पास करवाना है या पिताजी का एक काम कीजिए फौरन जाइए और कल आराम से पिताजी को लेकर आइए जी ये मेरे पिता हैं और ये घर मेरे पिता के पिता का पर ये तो इल्लीगल है अब तो आप लोगों का घर गया थैंक इनका घर तोड़वाने का ऑर्डर इशू किया जाए कर दिया